हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आप मेरे पीछे एक एड देख रहे होंगे और इसको लेके कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये अक्षय कुमार की दूसरी ऐसी एड है जो कंट्रोवर्सी के अंदर आ गई है। पहली एड तो वो थी जिसके अंदर उनको सुपारी कुमार बोल दिया गया था, या पता नहीं कौन सा कुमार बोल दिया गया था, जिसके अंदर वो सुपारी बेचते बेचते वो टैग लग गया था कि शायद ये पान मसाला बेच रहे हैं, जो भी है। तो एक्टर का वर्जन ये था कि जी मैं तो सुपारी बेच रहा था, लेकिन फिर भी आके उन्होंने सॉरी मांग ली। अब एक और एड आई है जो आपके पीछे चल रही है यहाँ पर पीछे, और इस एड के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आपको एयर बैग्स जो है वो 6 यूज करना चाहिए और उससे आप सुरक्षित रहोगे। और उसका जो क्रिएटिव तरीका अपनाया गया, ये बोलने का अपनाया गया है कि विदाई के टाइम पे एक लड़की जा रही है और उसके जो फादर है वो ऑब्वियसली इमोशनल होकर रोते ही है, और ये इंस्पेक्टर बने हुए हैं, सरदार जी इंस्पेक्टर बने हुए हैं अक्षय कुमार, वो आके बोलते हैं कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स होंगे तो शायद आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे पीछे वाले लोग सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और अचानक से वो गाड़ी चेंज हो जाती है, और गाड़ी चेंज होने के बाद वो 6 एयर बैग्स वाली गाड़ी आ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि गाड़ी का जो कॉनोटेशन है यहाँ पर वो इस तरीके का है जैसे ये दहेज के अंदर दी गई है, और इमीडिएटली वो चेंज होकर एक और नई गाड़ी आ जाती है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने, गवर्नमेंट ने ये प्रचार जो है जारी किया है, और जब कभी भी इस तरीके का प्रचार आता है वो जनहित के अंदर जारी होता है, और ये एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी गई है कि जब कभी भी आप गाड़ी लें तो आप सबसे ज्यादा एयर बैग वाली गाड़ी लें ताकि आगे पीछे सब लोग सुरक्षित रहे, यहां तक कि अब पीछे वाले लोग भी सीट बेल्ट बांधा करेंगे, इस तरीके के नियम बनने वाले हैं। अब अगर आप कोई एक्टर हो तो आपको भी ऐसे ही बोला जाएगा कि अगर आपकी ये स्क्रिप्ट है और ये गवर्नमेंट से आएगी तो आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट वाली स्क्रिप्ट, इसको अब क्या टेस्ट करना। तो ऑब्वियसली आप उसको परफॉर्म कर दोगे, आप इतना ज्यादा उसके अंदर घुसोगे नहीं और अपनी इंटेलिजेंस, ओवर इंटेलिजेंस नहीं यूज करने की कोशिश करोगे। बट लोगों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और बोला कि डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट है, और अभी आपने डाउरी के ऊपर एक मूवी बनाई है रक्षाबंधन, और आप उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हो। पॉइंट एकदम वैलिड है, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि एक साइड आप ऐसी मूवी कर रहे हैं कि जो डाउरी के अगेंस्ट है और एक वुमेन एम्पावरमेंट मिलती है एंड में उस मूवी के, और एक साइड आप दिखा रहे हैं ऐसा बाप जो कि डाउरी के लिए गाड़ियां देता फिर रहा है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये ठीक नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि क्या अक्षय कुमार कल्परेट है या फिर किसी और को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये जो एड और उसकी जो स्क्रिप्ट आई होगी ये तो आई है गवर्नमेंट की तरफ से, और एंड में वो हमारे जो शेयर का एम्बलम है वो भी आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये किसी ने एड बनाई और किसी ने बिना सेंसर करे निकाल दिए। ये एड बकायदा मिनिस्ट्री से आई है और बकायदा पास होके आई है, यहाँ पर ऐसा कोई भी प्राइवेट प्लेयर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, कुछ छोटे मोटे टेंडर निकले होंगे ऑफ कोर्स प्रोडक्शन के लिए, इसके अलावा और कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। तो कौन है वो राइटफुल इंसान जिसको ब्लेम करना चाहिए या फिंगर पॉइंटिंग करनी चाहिए कि आपकी वजह से लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हिले, क्या वो अक्षय कुमार है या फिर वो गवर्नमेंट खुद है। इंटेंशन तो नोबल ही थी कि आप 6 एयरबैग्स यूज करें, लेकिन उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो गया है। बट हो गया है तो क्रिटिसिज्म किसको इसका ब्लेम लेना है, अक्षय कुमार को लेना चाहिए या फिर मिनिस्ट्री को लेना चाहिए, जरूर बताइएगा। इस टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी जी, तो उनकी किसी टीम से कोई गलती हुई है स्क्रिप्ट को समझने के लिए, अक्षय कुमार से हुई है, आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।